यज्ञ का सहारा क्यों ले रहे हैं कर्नाटक बीजेपी के नेता येदियुरप्पा? क्या गुप्त यज्ञ से फिर सीएम बन पाएंगे बीएस येदियुरप्पा? अब इसे अंधविश्वास कहिए या सच्ची भावना, लेकिन धार्मिक रीति रिवाज टोना टोटके देश की राजनीति से कभी दूर नहीं हो सकते, खासकर तब जब बात कर्नाटक की हो रही हो। बीजेपी भले ही यहाँ अपनी सरकार बचाने में नाकाम साबित हो गई, कांग्रेस जेडीएस गठबंधन में जारी घमासान को देखते हुए बीजेपी और इसके नेता एक बार फिर सत्ता वापसी के ख्वाब बुनने लगे हैं। यही वजह है कि बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा इन दिनों यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा इन दिनों एक महारुद्र यज्ञ नाम का गुप्त यज्ञ कर रहे हैं। उनका मानना है कि इसके जरिए जल्द ही राज्य में उनकी सरकार बनेगी। खबर है कि इस यज्ञ में उनके दोनों बेटे बीवाई राघवेंद्र और बीवाई विजयेंद्र भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। सूत्रों की माने तो येदियुरप्पा ने शुरुआत के दो दिन बंद दरवाजे के पीछे यज्ञ किया। इसके बाद उडुपी जिले के कोप तालुक में कुठियार ग्राम पंचायत के एक मठ में यज्ञ किया। सूत्रों के मुताबिक दो दिन के अंदर ये यज्ञ सम्पन्न होगा। ये दिन 27 जुलाई भी हो सकता है, जिस पर पूर्ण चंद्र ग्रहण है। उधर बीजेपी के एक कार्यकर्ता की माने तो येदियुरप्पा के इस धार्मिक कर्मकांड के पीछे एकमात्र वजह सत्ता वापसी है। पार्टी के इस कार्यकर्ता ने कहा कि येदियुरप्पा और उनके समर्थकों को यकीन है कि महारुद्र यज्ञ से गठबंधन की सरकार गिरेगी और इससे उनकी स्थिति मजबूत होगी, जो सत्ता में वापसी के लिए मदद करेगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में एक जनधारणा है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण सत्ता में बैठे लोगों के लिए अपशगुन लाता है, और येदियुरप्पा इसी बात को दिमाग में रखते हुए यज्ञ कर रहे हैं। वो इसे उनके कुछ ही महीनों में सत्ता में लौटने का संकेत मान रहे हैं। हालांकि येदियुरप्पा कर्नाटक के एकमात्र ऐसे नेता नहीं हैं जो सत्ता के लिए इस तरह का अनुष्ठान करा रहे हैं। इससे पहले इसी साल जनवरी में जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने भी अति रुद्र महायज्ञ किया था, जिसे उनका परिवार कुमार स्वामी को सीएम पद मिलने की एक बड़ी वजहों में से एक मानता है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि इस गुप्त यज्ञ से येदियुरप्पा की मनोकामना कहां तक पूरी होती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।